तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की टॉपिक है CFM। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो चैनल पर नए आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो ना पसंद आए तो अनलाइक का भी बटन है, अनलाइक कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो में अगर कोई त्रुटि है, किसी भी तरह का करेक्शन करना या कोई भी फीडबैक करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वी विल रेक्टिफाइड। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो CFM आज का टॉपिक है। CFM क्या होता है? बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप AC टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि CFM क्या है। तो दोस्तों CFM एक यूनिट है, एयर फ्लो की एक यूनिट है। कोई भी इक्विपमेंट जो एयर का फ्लो बनाए रखता है उसको हम CFM में मेज़र करते हैं। उस यूनिट की जो कैपेसिटी होती है वो CFM में होती है। जैसे AHU है, एयर वॉशर है, एयर स्क्रबर है, एक्सियल फैन है, फैन सेक्शन है, ये सारे इक्विपमेंट जो हैं वो CFM में मेज़र किए जाते हैं। इनकी जो कैपेसिटी जो निकाली जाती है वो CFM में होती है। तो CFM का जो फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फिट पर मिनट, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब अगर एक CFM बोले, एक CFM क्या है? एक CFM का मतलब है कि एक क्यूबिक फुट जो एयर का वॉल्यूम है एक मिनट में फ्लो कर रहा है उसके अक्रॉस। तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा AHU है वो कितना CFM डिलीवर कर रहा है, उसको कैसे हम निकालेंगे? तो अभी हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली बात करेंगे, उसके फार्मूले पे बात करेंगे कि हम CFM को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि CFM हम कैसे लेते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, कहाँ पर रीडिंग लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली साइट पर जाकर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो दोस्तों जो CFM का फार्मूला होता है, एक्चुअली एयर फ्लो कैपेसिटी होती है, जो AHU की एयर फ्लो कैपेसिटी, मतलब जिसको हम CFM में मेज़र करते हैं, इसका फार्मूला होता है एरिया को जो हम लेंगे वो फुट स्क्वायर में लेंगे, इनटू एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर, और ये इसकी यूनिट रहेगी फुट पर मिनट में। जो हम एयर की वेलोसिटी लेंगे उसको फुट पर मिनट में लेंगे। एरिया कहाँ का लेना है? एरिया हम उस जगह का लेना है जहाँ से हमारी एयर फ्लो हो रही है, और उसकी जो एयर फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। देखो दोस्तों देखा जाए तो एरिया तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है या स्क्वायर सेक्शन होता है हमारा, फिल्टर जो होता है या कॉलर ड्रॉपर होता है, कुछ भी होता है, हम उसका एरिया तो फाइंड आउट कर लेंगे उसके फार्मूला से, बट हमें वेलोसिटी मेज़र करनी है। हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं एनेमोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम होता है वो एनेमोमीटर होता है, जिससे हम वेलोसिटी मेज़र करते हैं। ये मीटर भी हम आपको कल दिखाएंगे जो इससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो दोस्तों आप देखें, हमने एक यहाँ पे एक AHU का जो है ड्राइंग बना रखा है। माफ़ी चाहूँगा, ये ड्राइंग अगर आपको नहीं समझ में आए क्योंकि मैं इतना अच्छा ड्राइंग में नहीं हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारा AHU की बॉडी है, ये ब्लोअर है और इससे ये सप्लाई एयर निकल रही है, ये रिटर्न एयर है, ये हमारा फिल्टर सेक्शन है, ये दोस्तों हमारा फिल्टर सेक्शन जिससे एयर पास हो रही है, और ये कॉयल है। तो दोस्तों एयर हमारी यहाँ से एंटर कर रही है AHU में और यहाँ से निकल रही है, तो हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं एयर का, या यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे मेज़र करेंगे तो भी हमारा CFM उतना ही आएगा, यहाँ पे मेज़र करेंगे तो भी हमारा CFM इक्वल आएगा, क्योंकि जो जितना इनलेट होगा उतना ही आउटलेट होगा। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, हम अमूमन जो क्या करते हैं, हम एरिया AHU के फिल्टर पे CFM कैलकुलेट करते हैं जहाँ से रिटर्न एयर आ रही है। तो दोस्तों ये जो आपका फिल्टर सेक्शन कुछ इस टाइप का होता है, जिसके में 1, 2, 3 और 4 फिल्टर हैं। इस फिल्टर का जो साइज़ है 610 बाई 610 है। अब सपोज़ कर लो हमारे पास एक AHU है जिसमें 4 फिल्टर हैं, 4 फिल्टर हमारे कितने हैं, 610 बाई
610 के। तो अब हम इसका CFM कैसे निकालेंगे, तो ये दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनेमोमीटर लाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों हमें एरिया तो पता रहेगा, एरिया कैसे निकालना है। आइए पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन फिल्टर। तो एक फिल्टर का जो एरिया होगा 610 बाई 610, मतलब ये mm में है। तो हमें फुट स्क्वायर में निकालने के लिए सबसे पहले हम 610 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मतलब 0.61 × 0.61, ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर। अब फुट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एक 10.76 ये यूनिट कन्वर्जन होता है, जो हम मीटर स्क्वायर से फुट स्क्वायर में लाते हैं। तो जब हम दोस्तों इसको निकालेंगे तो इसका जो एरिया आएगा 3.61 फुट स्क्वायर एक फिल्टर का आएगा। तो अब चारों फिल्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फिल्टर सेक्शन, चारों फिल्टर का एरिया कैसे हो जाएगा, हम 3.61 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 3.61 × 4 कर देंगे, तो ये हमारा टोटल एरिया आ गया। अब हमें एरिया तो मिल गया है, अब हमें करना क्या है, इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि कितनी जो है एयर की वेलोसिटी है जो इस फिल्टर से होकर गुजर रही है। तो हम क्या करेंगे, एनेमोमीटर लाएंगे, एक रीडिंग हम यहाँ पर लेंगे, एक रीडिंग हम यहाँ पर लेंगे, एक रीडिंग यहाँ पर लेंगे, एक रीडिंग यहाँ और एक रीडिंग बीच में, मतलब एक फिल्टर पे हम 5 रीडिंग लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सेकंड फिल्टर में भी करेंगे, थर्ड फिल्टर में भी करेंगे और फोर्थ फिल्टर में भी करेंगे। अब हमारे यहाँ पास आ जाती है 20 रीडिंग, तो हम क्या करेंगे, 20 रीडिंग को ऐड करके और उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये एवरेज वेलोसिटी हमारी आ जाएगी फुट स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सम ऑफ ऑल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग, जितनी रीडिंग हम ले रहे हैं, सपोज कर हमने यहाँ पे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, इस 20 को जोड़कर 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी आ गई एवरेज रीडिंग। अब हम CFM कैलकुलेट करने के लिए, बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एरिया इंटू वेलोसिटी इसका फार्मूला है, बस आपको करना क्या, एरिया की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है इंटू 4 और इंटू जो आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट होकर आ रही है, बस ये आपका आ जाएगा टोटल CFM ऑफ AHU। दोस्तों ये तो थ्योरेटिकल था, हमने कैसे एरिया कैलकुलेट करना है इसका पूरा प्रोसीजर था। आपको कहीं भी कोई सा भी इक्विपमेंट, एक्सियल फैन हो, एयर वॉशर हो, एयर स्क्रबर हो, AHU हो, सीलिंग सस्पेंडेड AHU, FC हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, आपको अगर CFM निकालना है तो उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम कल देखेंगे कि कैसे CFM कैलकुलेट करते हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको कल कैलकुलेट करके बताऊंगा और कल शाम 5 से 6 बजे तक ये वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखें, आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आती है उसको अनलाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।